और अब बात करेंगे उन्नत झारखंड की। तो सरकार की सार्थक पहल से लोहरदगा जिला परिवहन कार्यालय कैशलेस हो गया है। कैशलेस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए परिवहन विभाग ने कई बैंकों से टाई अप कर ई पॉश मशीन की सुविधा उपलब्ध कराई है। इससे घर बैठे ही कोई भी किसी भी तरह का भुगतान ऑनलाइन कर सकता है। रघुवर सरकार की पहल से जिला परिवहन कार्यालय में अब नकदी लेन देन की कोई व्यवस्था नहीं है। सारे काम अब कैशलेस हो गए हैं, यानी कि परिवहन कार्यालय द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन रजिस्ट्रेशन, नाम ट्रांसफर, नवीनीकरण की सुविधा के साथ साथ धनों के जुर्माने की राशि को कैशलेस व्यवस्था के तहत लाया गया है। इस व्यवस्था से आम लोगों के साथ साथ वाहन संचालकों को भी सहूलियत मिली है। हम लोगों को लाइन में आकर के लाइन लगना पड़ता था, बहुत प्रॉब्लम होता था। कभी कभी दलाल लोग के ई में चले जाते थे परेशान होकर के। अब ऑनलाइन होने से अपने से ही ऑनलाइन करके और एटीएम वगैरह से पैसा कटवा लेते हैं। पहले का जो व्यवस्था थी उसमें तो बदलाव आया ही है। ऑनलाइन अभी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपना ई पेमेंट ले सकते हैं, और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करने से डायरेक्ट बेनिफिट पब्लिक को मिल रहा है। परेशानी नहीं हो रहा है, किसी दलाल के पीछे घूमना नहीं पड़ रहा है। ऑनलाइन परिवहन कार्यालय होने का ही असर है कि डीटीओ कार्यालय से भीड़ गायब हो गई है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब घर बैठे ऑनलाइन आवेदन दिया जा सकता है, और आवेदन के बाद मैसेज आने पर डीटीओ कार्यालय जाकर कैशलेस पेमेंट की जाती है। परिवहन विभाग के कैशलेस होने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वालों का बैंक खाता होना जरूरी है, जिससे एटीएम के जरिए आवेदक अपना भुगतान कर पाएगा। जानकारी होगी टैक्सेशन से संबंधित सारे ऑनलाइन जमा होता है। इसके अतिरिक्त ड्राइविंग लाइसेंस भी ऑनलाइन एप्लीकेशन लिए जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए भी ऑनलाइन एप्लीकेशन लिए जा रहे हैं। जितने भी तरह के सुविधाएं हैं सारे ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया गया है। इवन जो पैसे की जो राशि की जमा होती है वो भी ई पॉस मशीन के द्वारा हम लोग के द्वारा की जा रही है। डिजिटल इंडिया की ओर लोहरदगा परिवहन विभाग ने कदम बढ़ाया है, और आज परिवहन कार्यालय पूरी तरह से कैशलेस हो गया है। और ये सब हुआ है रघुवर सरकार के सार्थक पहल से। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल